नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक मैं लेके आया हूं और बहुत सारी डिमांड आई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस प्रॉब्लम के बारे में। जिसे एक नॉर्मल लेमन टर्म में बोलते हैं डेंड्रफ, रूसी या सिबोरिया, खुश्की, ड्राइनेस, बहुत सारे नाम हैं। बट ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके पीछे साइंटिफिकली रीज़न क्या है, और अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो इसका हम एक प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसके बेस में क्या साइंस छुपी हुई है। तो शुरुआत करते हैं स्किन के सरफेस से। ये देखिए, ये अब आपका स्किन का प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस मतलब यहाँ पे बाल नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस हमारे जो सेल्स हैं, डेड स्किन है, वो हमारे सरफेस से शेड होती रहती है। जो सेल्स हैं वो गिरते रहते हैं। नीचे से जो सबसे बेजल लेयर होती है हमारी स्किन की, स्टेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं, वहाँ से नए सेल्स ऐड होते रहते हैं और ऊपर से सेल्स गिरते रहते हैं। जब हम बात करते हैं प्लेन स्किन की, स्मूथ स्किन की, जहाँ पे बाल नहीं है, वहाँ पे इन डेड सेल्स की क्लीनिंग बहुत ही ईजी रहती है। रीज़न के तौलिए से, नहाते हुए, कपड़े की रबिंग से, किसी भी तरीके से वो डेड सेल्स वहाँ से रिमूव होते रहते हैं और स्किन हमारी क्लीन रहती है। बट अगर हम बात करें उन एरियाज़ की जहाँ पे बाल हैं, हमारा स्कैल्प हो गया, आईब्रोज हो गए, बियर्ड हो गई, मुस्टैश हो गई, इवन अंडर आर्म्स, प्यूबिक एरिया, जहाँ पे बाल हैं वहाँ पे भी तो स्किन जो है वो शेड हो रही है। और अगर वहाँ पे हम क्लीनिंग में हल्का सा पीछे रह गए, या स्किन का टर्नओवर रेट वहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि सेल्स ज़्यादा शेड कर रहे हैं, या हमारी क्लीनिंग में दिक्कत है, दोनों में से कोई भी फैक्टर होगा, तो वहाँ पे सेल्स की एक्युमुलेशन, डेड सेल्स की, डेड स्किन डेब्रिस की वहाँ पे एक्युमुलेशन या उसका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जब ड्यू टू दीज टू reasons, या तो क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है और या फिर हमारा स्किन का टर्नओवर रेट बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से अगर डेड सेल्स इकट्ठे हो गए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारी स्किन के ऊपर एक फंगस रहती है जिसका टेक्निकल नाम रहता है मेलेसीजिया फरफर, ये उसका एक नाम है। अब ये वाली फंगस का जो खाना है वो बेसिकली फैट है, और हमारी जो डेड स्किन रहती है उसमें काफ़ी प्रतिशत में फैट रहता है। तो इस फंगस को अच्छी मात्रा के अंदर अपना भोजन मिल गया तो फंगस वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगी। अब फंगस ने ग्रो किया, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दैट मैटर, अगर ग्रोथ करता है, कुछ खाता है, तो वो कुछ एक्सक्रीट भी करता है। इस फंगस की जो एक्सक्रीशंस हैं, या जो इसकी गंदगी है इस फंगस की, वो एसिडिक होती है। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है स्कैल्प के ऊपर, और उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से स्किन का टर्नओवर रेट और बढ़ जाता है। इस स्किन के टर्नओवर रेट और बढ़ने से क्या होगा कि और फंगस आएगी, क्योंकि क्लीनिंग में कहीं ना कहीं हम डेफिशिएंट हैं और स्किन का टर्नओवर रेट वैसे नेचुरली अंदर से बढ़ा हुआ, उसके रीजंस पे मैं बाद में आऊंगा, तो हमारी ये फंगस की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोगों में माइल्ड केसेस के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन क्लीनलीनेस एंड स्किन टर्न ओवर रेट, ये थोड़ी मात्रा में हो सकती है डेंड्रफ, यानी कि बालों को कुछ झाड़ा तो स्किन के ऊपर कुछ हमें वाइट कलर के फ्लेक्स दिखाई दिए। बट कुछ लोगों में ये इतनी सिवियर हो जाती है कि स्किन के ऊपर पपड़ी या लेयर जमनी स्टार्ट हो जाती है। जब स्किन पे लेयर जमनी स्टार्ट हो गई तो समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा पीएच एसिडिक हो जाता है स्कैल्प का कि वहाँ पे हमें इरिटेशन, खारिश, इचिंग, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। आज जब वो स्टार्ट होंगी, इचिंग करेंगे, इचिंग से फिर ज़ख्म होता है। अगर नाखून लगा के हमने खारिश कर दिया, खुजली कर दिया, तो वहाँ पे फिर ज़ख्म हो जाएगा। ज़ख्म के ऊपर अगेन फंगस, फिर से फिर बैक्टीरियल ग्रोथ, तो वो सारा हमारा सर्कल जो है एक हम ट्रैप में आ जाते हैं। ज़्यादा इरिटेशन, ज़्यादा फंगस, ज़्यादा खाना, और हमारा वो सर्कल चलता रहता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें,
प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये आपने सुना होगा, है ना। तो प्रिवेंशन के अंदर अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा एग्रेसिव है, एग्रेसिव इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा ख्याल अपना नहीं रख पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, आपका करियर की शुरुआत हो सकती है, कुछ टारगेट्स हो सकते हैं जिन्हें आपने चेस करना है, या कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने खुद के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में प्रिवेंशन के लिए आई ऑलवेज एडवाइस कि कीटाकोनाजोल का शैम्पू 2% हफ्ते में एक बार स्कैल्प के ऊपर लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसको संडे का एक रिचुअल बना दीजिए आप, और वो ज़रूर करिए, दो बार नहीं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। इससे आपका ये प्रिवेंशन में रहेगा। सेकंड प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो सफाई की बात हो गई, सेकंड स्किन के टर्नओवर रेट को नीचे लेके आना है। वो कैसे होगा, वो होगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन पहले मैंने एक हेयर फॉल के वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम ब्रेन को काम करते हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं 10 मिनट के लिए ही सही, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है हमारी ओवरऑल जो बॉडी के अंदर हार्मोनल मिल्यू है उसको। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अगर एग्रेसिव लाइफस्टाइल है आपका, टारगेट चेजिंग है, कुछ बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं, तो उससे डेंड्रफ का क्या लेना देना। सॉरी, अब देखिए होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस नॉट एग्जैक्टली के आप दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस इज लाइक सटल लेवल पे आपके ब्रेन के अंदर एक टारगेट है, कुछ रह गया, कुछ पूरा नहीं हुआ, आप किसी चीज़ के पीछे, आप यू हैव टू फिनिश अप समथिंग, है ना। अगर वो वाली सिचुएशन में आप हैं तो बॉडी के अंदर उसको अलर्ट रखने के लिए हमारी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम रहता है शरीर में, वो एक्टिवेट सटल लेवल पे, थोड़े थोड़े लेवल पे चलता रहता है। सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं हम इसे, फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में कैटेकोलामींस और एडिनेलिन, नॉरएडिनेलिन, इनका लेवल ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में ज़्यादा रहता है, तो उससे हल्की सी हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा तकरीबन 80-82 के आसपास। और ड्यू टू दिस हमारी स्किन जो है वो हमेशा हमें लगेगी कि ऑयली है, ग्रीजी है, दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज रैपिड टर्न ओवर ऑफ आर। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, इधर पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में कम रहते हैं, उन लोगों के साथ ये समस्या रहती है। काम करते हुए भी बिजी, तो उन लोगों में ये समस्या बहुत देखने में आती है। तो हमारा हार्मोनल मिल्यू, जो अंदर ब्लड के सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं, वो ड्यू टू दिस सटल थोड़ा सा जो हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है जिन लोगों में उनमें और ज़्यादा समस्या आएगी, तो ये इंक्रीज रहता है। तो मेडिटेशन से हमारा जो बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो फ्रेंडली हार्मोन्स की तरफ या जो शांत हार्मोन्स हैं उसकी तरफ कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर थोड़ा सा वो कम हो जाते हैं। तो ये हार्मोन जैसे कम होंगे, स्किन का टर्नओवर रेट कम होगा, स्किन की ऑयलीनेस और वो सारी समस्याओं में धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपको रिलीफ मिल गया। तो ये होगी स्टेज वन जब हम इसकी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। अगर आपका बहुत हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, दो चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट स्टेप पे अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, डेंड्रफ आ गया है, अब देख रहे हैं आपके ये, मैं बालों में हाथ मारता हूँ या मारती हूँ, जैसे भी, मतलब मेल और फीमेल बोथ सबके लिए है ये वीडियो, तो उसमें जैसे आप कॉम्बिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी स्टेज में डेंड्रफ वाला जो शैम्पू मैंने आपको बताया, कीटाकोनाजोल 2%, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए, डजंट मैटर, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उसे आपने इस्तेमाल करना है ऑलमोस्ट डेली फॉर 1 वीक। तब तक आप इस्तेमाल करें जब तक के स्कैल्प के ऊपर से ये झड़ना रुक ना जाए, या दूसरा व्यक्ति देख के ये बताए कि देखिए अभी डैंड्रफ नहीं है। जब ये वाली स्टेज आ जाए तो फिर आप इस शैम्पू को 2 times or 1 week फिर कॉन्टिन्यूस इसको चलने दीजिए, जब तक कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके थोड़ा शांत वाली साइड पे नहीं आ जाते इनिशियल फेजेस के अंदर। अब जिन लोगों में पपड़ी जमने वाली समस्या आ गई है, बहुत कॉमन है, मोटा स्किन का थिकनेस, मोटी इसकी लेयर, वाइटिश पपड़ी स्किन के ऊपर, और उसको जैसे खुरचते हैं तो उसके साथ में कुछ हेयर की रूट्स भी आ जाती हैं, है ना, वैसी सिचुएशन में क्या करेंगे, कीटाकोनाजोल का विद कोल्टार लोशन, लोशन मिल जाएगा आपको, कीटाकोनाजोल विद
कोल्टार, इसका लोशन मिलेगा, उसको स्केल्प के ऊपर पूरी रात लगा के छोड़ दीजिए इनिशियल फ्यू नाइट्स के लिए। दिन में भी दो बार लगा दीजिए, तीन बार लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खारिश अगर करके आपने ज़ख्म करे हुए हैं तो शैम्पू से स्टार्ट करिए। शैम्पू लगाएंगे, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कम आएगी, फिर उसके बाद आप ये जो दूसरा मैंने लोशन बताया आपको ये लगाइए, लगा के स्केल्प के ऊपर इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, या जब कंट्रोल में आ गई सिचुएशन मॉर्निंग में उठ के लगा लीजिए, दो घंटे का कॉन्टैक्ट पीरियड दीजिए, देन अगेन उसी शैम्पू से केटागोनाजोल से इसको वॉश कर लीजिए। जब भी हेड वॉश करेंगे कोशिश करें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, ठंडा पानी या ऐसा पानी जो हमें ठंडा लगे, मैं सर्दियों की भी बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बट इतना कि हमें महसूस हो, ठंडक महसूस हो, ऐसे पानी से ही हमेशा हेड वॉश करें। गर्म पानी से हेड वॉश कभी भी ना करें, उससे अगेन हमारा सारा सिस्टम जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है और उससे फिर ऑयल ज़्यादा निकलता है, सारी समस्याएँ फिर से हमारे सामने आ जाती हैं। तो जो सिवियर केसेस हैं, लोशन लगाएंगे, दो घंटे का एप्लीकेशन पीरियड, उसके बाद उसको उसी शैम्पू से केटागोनाजोल से वॉश कर देंगे, ठीक है जी। अब एक और इसका लास्ट सॉल्यूशन रहता है, जब बहुत ज़्यादा थिकनेस में पपड़ी आ गई, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और इफ़ पॉसिबल वी कैन लाइक अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम इसको हेड को बिल्कुल प्रॉपर ट्रिम भी कर सकते हैं। यही एक अकेली इंडिकेशन है जिसमें मैं एडवाइस करता हूं कि आप सिर के ऊपर उस तरह से उसे क्लीन करवा दीजिए, बिकॉज उससे मैन्युअली हम लोग सारी समस्या को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट वीडियो में मैंने, अगर आपने देखा हो, कॉम्बिंग के ऊपर मैंने बहुत स्ट्रेस किया है। तो हमारी जो प्रिवेंशन वाला मैंने आपको बताया था जिसमें शैम्पू करना है, एक डेली रूटीन आप कॉम्बिंग का ज़रूर रखिए। जब भी हम कॉम्ब करते हैं तो फिजिकली हम उस डेंड्रफ को अपनी जगह से हिला रहे हैं, फंगस को अपनी जगह से हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब करेंगे उसके बाद शैम्पू करेंगे, हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। जब भी डेंड्रफ के साथ, रूसी के साथ, सिबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ आप कॉम्बिंग करेंगे तो बाल गिरेंगे, आपको स्ट्रेस बढ़ेगी, कह रहे यार तो इंक्रीज हो गया मेरा हेयर फॉल, बट डू नॉट वरी। मेन हमारा उस वक्त पर्पज़ है फंगस को ख़त्म करना, सिबोरिया को ख़त्म करना, एक बार वो ख़त्म हो गया बाल फिर से वापस आ जाएंगे, राइट। ये हुई हमारी एक मेडिकेटेड, अगर हम उससे सोचें तो। अभी पीछे जो लॉकडाउन के अंदर हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए घरेलू नुस्खों पे, मैं बहुत ज़्यादा पहले विश्वास नहीं करता था, बट कुछ चीज़ें साइंटिफिकली हमने देखी कि काम कर रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें क्या रहेगा, अब फंगस को किल करने के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट फंगस की पहुंच से भी ज़्यादा कर देंगे, उसके एनवायरनमेंट को और ज़्यादा एसिडिक कर देंगे, तो ऑफ कोर्स उसकी ग्रोथ के अंदर कमी आ जाएगी। और जो सबसे कॉमन एसिड हमारे आसपास अवेलेबल रहता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड, यानी कि दही। तो अगर हम दही को उफनने के लेवल तक, जब उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं, तो समझिए कि बहुत ज़्यादा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, और जितनी बैक्टीरियल ग्रोथ होएगी लैक्टोबैसिलस की उतना उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। उसे आप स्केल्प के ऊपर लगा के 7-8 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद अगेन शैम्पू से वॉश कर लीजिए। पानी से खाली वॉश करके नहीं छोड़ना है, ये सोच के कि दही कुछ पीछे असर छोड़ेगी, नहीं, वो नुकसान होगा, बिकॉज दही के अंदर भी फैट काफ़ी मात्रा में रहता है, तो स्केल्प पे छूट गया तो नुकसान कर देगा, है ना, अगेन फंगस के लिए फिर वही खाने वाला सिस्टम। तो दही आपको यूज़ करना उफनता हुआ। देन एक हमने इसी दौरान एक रिसर्च वो किया कि प्याज का जो रस रहता है, अनियन का जूस क्रश करके उसको आप उसको कपड़े में लेके एंड देन जस्ट कलेक्ट सम जूस, उसमें नींबू डाल दीजिए अच्छी मात्रा में, एक नींबू डेढ़ नींबू तक डाल दीजिए औसत एक साइज़ का, एंड उस सॉल्यूशन को लगाइए। बट इसको ज़्यादा समय नहीं रखना है अपने को, 5-7 मिनट्स रखना है, एंड देन वॉश का। अगर इरिटेशन आपको लगती है कहीं, बहुत ज़्यादा पपड़ी वाली सिचुएशन है, ज़ख्म हुए हैं, तो शुरू में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, तो उसे जल्दी वॉश कर दीजिए। दिन में दो बार एप्लीकेशन दे सकते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं लगाइए। और एक बार इन्फ्लेमेशन आपका ठीक हो गया, आपको लगाने पर इरिटेशन नहीं हो रही है, तो यू कैन कीप इट फॉर 10-20 मिनट्स, और अगेन आपको शैम्पू से वॉश करना है, रेजिडुअल कुछ रह ना जाए पीछे, ठीक है जी। ये होम रेमेडीज हो गई। सो ऑल इन ऑल, नटशेल में मैं आपको अगर बताऊं
प्रिवेंशन के अंदर शैम्पू वंस और ट्वाइस ए वीक, किटोकोनाजोल 2%, मेडिटेशन जिससे कि आप अपना जो स्ट्रेस के लेवल्स हैं उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, और तीसरा कॉम्बिंग। बार बार स्ट्रेस करता हूँ, दिन में 3 बार ज़रूर 20 स्ट्रोक्स मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग ज़रूर करिए, तो इससे ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। राइट, अब लास्ट चीज़, डेंड्रफ कैन एग्रेवेट मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये समझ के चलिए आप। जिन लोगों को मेल पैटर्न बॉल्डनेस की या अनुवंशिक बॉल्डनेस की जिनके अंदर टेंडेंसी है, उन केसेस के अंदर डेंड्रफ से जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, हमारी रूट्स की नीचे अपने बेस के साथ पकड़ ढीली पड़ जाती है, तो रूट्स इजीली डिसलॉज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। प्लस उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जो डीएचटी के साथ हमारा कॉम्बिनेशन है डीएचटी रिसेप्टर्स का, वो और एग्रेवेट हो जाता है, और इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो डेंड्रफ को या रूसी को कंट्रोल करके रखना हर हाल में जरूरी है। लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही डेंड्रफ का नाम आता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं बोलते हैं कि तेरे को ड्राइनेस है, खुश्की, इस पे तेल लगाओ। तेल नहीं लगाना अपने को, तेल लगाएंगे अगेन वो फंगस के लिए खाना है, हम उसको खाना दे रहे हैं तो फंगस और बढ़ेगी। ऑयल नहीं यूज़ करना है। इन केस अगर आपकी शेफ्ट्स के ऊपर, बाल की लेंथ के ऊपर अगर आपको ड्राइनेस फील होती है बार बार शैम्पू करने के लिए, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि गीले बालों में, जैसे आपने नहा लिया, बाल पूरे सूखने ना दीजिए, अभी थोड़े गीले हों, उन गीले बालों की लेंथ के अंदर आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। राइट, ऑयल उसके ऊपर ऊपर, रूट्स के अंदर, जड़ों पे नहीं जाइए आप, वहाँ पे फिर दिक्कत होगी। तो लेंथ के ऊपर आप लगा के और उसको छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा मॉइस्चर के साथ ऑयल जो है वो लेंथ के अंदर ट्रैप हो जाएगा, तो बाल अगर टूट रहे हैं, झड़ने की बात नहीं कर रहा, टूट रहे हैं ड्राइनेस की वजह से, तो उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी, सो ये वीडियो था हमारा सिबोरिया के बारे में, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, इसे प्रैक्टिकली करके देखिएगा। एंड अगेन, चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।